दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज की जो डेट है वो तो यहाँ पर चेंज हो ही चुकी है, आपको पता है 3 से 10 अक्टूबर तक ये लगने वाली है और जो प्लस मेंबर होंगे उनके लिए 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर मोबाइल्स एंड टैबलेट वाले सेक्शन में आपको कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर और ऑफर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल्स की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि पोको, इन्फिनिक्स, आपको ओप्पो, वीवो हर प्रकार के स्मार्टफोन ब्रांड पर यहां पर ऑफर्स देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले यहां पर आपको दिखता है पोको X3 Pro और Realme 8S 5G। दोस्तों इनके 6 GB वाले वेरिएंट आपको 17,000 रुपये में देखने को मिलते हैं। मैं कहूँगा अगर आपको Realme 8S 5G लेना है तो सिर्फ 5G वाले फीचर के लिए ही लीजिएगा, बाकी पोको X3 Pro यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है Realme 8S 5G से। बाकी दोस्तों मोटो G60 16,000 रुपये में इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, इसकी परफॉर्मेंस 732G यहाँ पर लगा हुआ है तो काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 भी है दोस्तों जो 9,500 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। एंड Realme 8i F62 अभी दोस्तों इसकी बात हम नीचे करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी रिव्यूज़ यहाँ पर रिवील्ड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लैक हो चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि Realme 8i की यहाँ पर डी रिवील हो चुकी है। Realme 8i आपको यहाँ पर 13,000 रुपये की कीमत पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मोटो G40 फ्यूज़न का यहाँ पर कॉम्पिटिटर रहने वाला है, लेकिन दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो आपको बिल्कुल लगभग बराबर की देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर स्टॉक एक्सपीरियंस आपको देखने वाला मिल जाएगा मोटो G40 फ्यूज़न में। एंड दोस्तों Realme Narzo 50A की आपको यहाँ पर 3 अक्टूबर को पहली सेल देखने को मिल जाएगी। इसमें दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर ऑफर रहने वाला है बिल्कुल जो आप बोलते हैं प्राइस कट। मेरे ख्याल से यहाँ पर खाली जो एक्सचेंज या फिर आपको बिल्कुल बोलते हैं ना बैंक वाला ऑफर, वही देखने को मिलने वाला है। बाकी Realme GT Master Edition 5G यहाँ पर दोस्तों ये फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आपको 21,000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे में समझिएगा 21,000 रुपये आप यहाँ पर दे और इसको ले, नो दोस्तों, या तो यहाँ पर एक्सचेंज आपको करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पर कूपन्स और फिर आप बोल सकते हैं बैंक ऑफर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तब आपको 21,000 का ये देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों Narzo 30 जो 4G वाला वेरिएंट है, ये दोस्तों काफ़ी मैं बोलूँगा सही स्मार्टफोन है। थोड़ी सी दोस्तों प्राइस इसकी बढ़ गई है 500 रुपये, बट दोस्तों फिर भी अगर आपको इसमें डिस्काउंट अच्छा मिलेगा तो एक अच्छी डील ये भी यहाँ पर को यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद Realme 8 15,500 का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 6 GB वाला वेरिएंट। अगर दोस्तों मैं बोलूँ तो यहाँ पर 15,500 तो 16,000 रुपये देकर आप मोटो G60 फ्यूज़न यहाँ पर ले सकते हैं, वो एक बेटर चॉइस रहने वाली है। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर वही यहाँ पर 5G वाला वेरिएंट आ गया Realme Narzo 30 का। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तभी इसको लीजिएगा, नहीं तो 14,500 में इससे अच्छी डील्स आपको बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एंड Realme 8 5G ये 17,500 का फ़ोन है, लेकिन 17,000 रुपये में आपको पोको X3 Pro देखने को मिलता है। बस दोस्तों अगर 5G आपको लेना है तभी इन 5G स्मार्टफोन आप जाइए, क्योंकि इन पर ज़्यादा अच्छे स्पेक्स आपको देखने को नहीं मिलते। एंड दोस्तों जो Realme C20 है वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर है, लेकिन जो C21 है उससे अच्छा आप माइक्रोमैक्स नोट इन 1 ले 9,500 रुपये का, तो वो इससे एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। बात करें यहाँ पर Realme GT 5G की तो दोस्तों वो 36,000 रुपये का है। एंड Realme X7 Pro 28,000 रुपये का, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अच्छी डील रहने वाली है इस प्राइस पॉइंट पर। अगर आप 1-2 हज़ार ऊपर दे तो OnePlus Nord 2 भी आपको देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों स्क्रॉल नीचे करेंगे तो अभी लॉन्च होने के लिए है पोको C31, तो बजट बोस दोस्तों ये स्मार्टफोन रहेगा, ये आप पहले यहाँ पर सुन लीजिए। एंड सैमसंग गलेक्सी F42 5G भी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, एंड इसका प्राइस भी आपको 20,000 के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर Realme 9i Sport आने वाला है, तो इसको दोस्तों बिल्कुल आप इंतज़ार नहीं करिए एंड 9,500 रुपये में माइक्रोमैक्स नोट इन 1 यहाँ पर परचेज कर लीजिएगा, वो एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। एंड जो पोको C31 है दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 10,000 रुपये का आसपास इसका प्राइस रहने वाला है, एंड ये भी एक काफ़ी अच्छी डील आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर iPhone जो 12 है उसका जो आपको प्राइस देखने को मिलेगा वो भी मैं ग्रंटेड यहाँ पर बताऊँ आपको तो 50,000 रुपये देखने को मिलने वाला है दोस्तों, 1,000 ऊपर या नीचे, बस इससे ज़्यादा फ़र्क दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल आपको 50,000 रुपये में ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है।
तो दोस्तों अगर आपको आईफोन लेना है तो आईफोन 12 के साथ आप यहाँ पर ज़रूर दोस्तों जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ग्लिच है दोस्तों, इसलिए आपको नहीं दिख रहा, बाकी अपने फ़ोन पर ये दिख जाएगा। बाकी आईफोन 12 मिनी तो दोस्तों इससे भी नीचे रहने वाला है प्राइस में। एंड दोस्तों पोको M3 4GB वाला जो वेरिएंट है वो भी आपको 9,500 रुपये में देखने को मिलता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप माइक्रोमैक्स नोट N1 नहीं लेना चाहते तो पोको M3 यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो 9,500 रुपये में वो दो स्मार्टफोन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। एंड जो पोको X3 प्रो है, हमने इसकी बात कर ली है, परफॉर्मेंस वाइज सबसे नंबर वन दोस्तों, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा कैमरे में दोस्तों ये मार खा जाता है, क्योंकि 17,000 रुपये में थोड़ा इससे अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों बात करें नीचे, जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर ओप्पो A53s 5G आपको देखने को मिलता है, मतलब ये 14,000 रुपये का, जब आप इसमें ऑफ़र लगाएंगे तो 13 का मिलेगा, बट दोस्तों बिल्कुल नहीं। अगर आपको 5G चाहिए तभी आप दोस्तों ये लेना, अदरवाइज़ इसको आप स्किप इजीली कर सकते हैं। बाकी इन्फिनिक्स के फ़ोन्स भी काफ़ी अच्छी डील्स पर दोस्तों निकलने वाले हैं। अगर आपको इन्फिनिक्स ब्रांड अच्छा लगता है, इसका UI अच्छा लगता है स्पेशली, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। एंड जो प्राइस है वो तो काफ़ी सही रहने वाला है। एंड दोस्तों मुझे इसका जो सबसे अच्छा स्मार्टफोन लगता है वो है इन्फिनिक्स नोट 10, जो कि आपको 11-12,000 रुपये का देखने को मिलेगा, तो उसको आप ले सकते हैं। बाकी मोटो G40 फ्यूज़न तो दोस्तों मैं बोलूँगा, अगर आपने 13,000 रुपये का फ़ोन लेना है तो आंखें बंद करके इसको ले सकते हैं, काफ़ी तगड़ा ये स्मार्टफोन है। 13,000 रुपये में दोस्तों बेस्ट डील है। एंड 9,500 में दोस्तों माइक्रोमैक्स नोट N1 और पोको M3, इन दोनों में से आपको जो स्मार्टफोन अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी ये लावा की दोस्तों जितनी भी सीरीज़ है इसको आप स्किप कर सकते हैं, 1-2,000 रुपये ऊपर डाल के आप अच्छा फ़ोन यहाँ पर कोई परचेज़ कर लीजिए। बाकी दोस्तों पिक्सल 4a का प्राइस अभी देखने को पता लग जाएगा कितना है। बाकी सैमसंग गैलेक्सी F62 तो दोस्तों पक्का है 17 या 18,000। अगर दोस्तों ये 17-18 में आपको देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छी डील, अदरवाइज़ दोस्तों आप यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के साथ जाइए। अगर ये 19-20 का आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों उस रेंज में तो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स यहाँ पर इसको बीट कर देगा। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर एसुस रॉक 3 की, तो इसको तो दोस्तों आप अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तभी लीजिएगा, बाकी इसमें कैमरा आपको उस लेवल का देखने को नहीं मिलता है कि आप 35,000 रुपये दे और उतना अच्छा कैमरा दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी दोस्तों यही सारी डील्स थी, एंड थोड़ी बहुत ओप्पो की डील्स यहाँ पर देखने को बचती है। तो मैं कहूँगा यार ओप्पो के स्मार्टफोन उतना ज़्यादा कोई डील लेकर आए नहीं है, मतलब बजट रेंज में तो आपको काफ़ी मैं बोलूँगा घटिया क्वालिटी के यहाँ पर स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 18, 19 या फिर 20 से ऊपर यहाँ पर बजट है तो आप यहाँ पर देखने को जा सकते हैं स्मार्टफोन को, बाकी देख सकते हैं। ए सीरीज़ में तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों पीछे रह जाता है ये दूसरे स्मार्टफोन से, तो इनको आप परचेज़ मत कीजिएगा। एंड ओप्पो F17 प्रो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप यार यहाँ पर पैसे खर्च करना चाहते हैं तो इन दो स्मार्टफोन आप कर सकते हैं।